तो अपने अपने सगवटता श्रद्धा और शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ नियम होने चाहिए। दानम सदरमो नियमो यमश्च श्रुतंच कर्माणि। प्रभु की कर्म की कथा का श्रवण करना चाहिए। श्रुतंच कर्माणि, कर्माणि अर्थात कथा, प्रभु की लीला की गुणातीत जो गुण है उसका अतीत को स्मरण करके कर्णों में डालना चाहिए। श्रुतंच कर्माणि च सद्व्रतानि, और कोई व्रत होना चाहिए, श्रावण का हो, शिवरात्रि का हो, पूर्णिमा का हो, अष्टमी का हो, एकादशी का हो, शिवरात्रि का हो, जो भी कुछ गुरुवार हो, जो भी हो, मगर सिर्फ भूखा रहना वो व्रत नहीं है। उपवास करने का, भूखा नहीं रहना, उपवास करने का। मगर उपवास में तो फराली दाल भात भी आ गए, फराली कचौरी, फराली पेटिस, फराली वड़ा, फराली पापड़ा, सब कुछ फराली, तो भूखा नहीं रहना मगर उपवास करना है। तो ये भूखे रहे मगर उपवास कैसे हो सकता है? तो उस उपवास शब्द को हम तोड़ लेते हैं। उपम आवश्या इति उपवास। उप किसको कहते हैं? प्रमुख और उप प्रमुख, वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस। तो उप का अर्थ होता है सेकेंडरी या तो बगल वाला। तो आवास अर्थात बैठना, निवास, आपका वास कहां पर है, मैं भी वहां बैठता हूं। तो वास यानी विराजना, और उप अर्थात बगल में अथवा तो नेक्स्ट टू। तो भगवान के सानिध्य में बैठना, उसके सानिध्य की अनुभूति करना, उसको कहते हैं उपवास। और आप चार बार, पांच बार, दस बार, आपको शुगर है, डायबिटीज है, डॉक्टर ही परेजी है, तो खा पी के भी, मगर ये गैजेट है उसको अवॉइड करो। एरोप्लेन मोड दिया है वो, उसको एरोप्लेन मोड में डाल दें। वो मोड बदलेगा तो हमारा मूड बदलेगा। होता ये इतना काम आदि मद दंभ न जाके, इतने विषय के विषयांतर हमारे सामने लाता है। मौलिक भाई एक घंटे में 50 आइडिया जाता है, ये मर गया या ये पिकनिक गया, ये इधर उधर की बातें आती है, डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट थॉट। तो हमारी जहां पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उस कॉन्सेंट्रेट को ब्रेक करता है। अच्छी बात है टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, मगर टेक्नोलॉजी हमारा उपयोग करे वो सही नहीं। एक समय रखिए, लोगों के संपर्क का एक अच्छा माध्यम है, हर एक चीज उपयोगी है, मगर शास्त्र ने कहा है, संतों ने कहा है, अति सर्वदा वर्जते। कोई भी चीज की अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। बंद हो गया। पंखा चलेगा तो मारुति नंदन आएगी। पंखा चलेगा तो हवा आती है, तो मारुति पवन है। हनुमान जी का नाम क्या है? पवन तना या सवन करते हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मगर आपकी ओर चलो। और आपको पंखा चलते चलते यदि नींद आए ना, तो सो जाओ, नहीं सो जाओ। एक शब्द आपके कान में चला गया और हमारे साथ की नींद उड़ जाए, हमारी आंख खुल जाए। दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च स्वतंत्र कर्माणि च सद्व्रतानि। अच्छे व्रत होने चाहिए, मगर इनसे होता क्या है? तो ते सर्व मनोग्रह लक्षण, इनसे हमारे मन का निग्रह होता है।
मगर उनसे भी उत्तम अवस्था बताई है। इतना बहुत कुछ करने के बाद भी नहीं मिलता है, उससे उत्तम चीज ये है कि परो ही योगो मनसा समाधि। उत्तम चीज ये है कि हमारे मन को समाधान मिल जाए। थोड़ा बढ़ा देंगे, थोड़ा माइक बढ़ा देंगे आप, थैंक यू। हमारे मन को समाधान मिल जाए, ये मन है कि मानता नहीं। इसको कितना भी आप खिलाओ, थैंक यू, उसको कितना भी आप पिलाओ, मगर हमें गाता है थोड़ा कम करना पड़ेगा। और पहले दिन मैंने बताया था मन कैसा है, तो बोले मन मरकट जैसा है। मरकट अस्य सुरापानम तत्र वश्चिक दंशनम तनमध्ये भूत संचार। ये हमको समाधान नहीं मिलता है, हम स्वीकारने को राजी नहीं है। और ये स्वीकार लेना चाहिए कि जो होता है वो मेरे राम जी की कृपा से होता है। ओई सोई जो राम रचि राम। आज उपवास का मौका मिल गया, नहीं मिला ठाकुर जी ने उपवास करवा दी, मिला तो ठाकुर जी की कृपा है, खा लो। तो जो भी आता है वो प्रभु का प्रसाद है, ऐसा समझ के अपने को आगे बढ़ाओ और मन का समाधान मिल जाएगा। कुछ दिक्कत हो रही है ना आपको, सुनाई दे रहा है? ओके, गुड 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 गुड। तो हनुमान चालीसा की पाठ आप करते हैं, मगर हम यहाँ जो बात थोड़ा हम ही गा रहा है, मुझे थोड़ा थोड़ा जाओ कुछ करो, मैं बोलता रहूँ, वहाँ खड़ा रहूँ, लाउड थोड़ा डाउन करो। हाँ, ग्रिड भाई नहीं है ना, इसके मास्टर नहीं, और जिसका काम वो जाने, बस बस अब बराबर है, बराबर है। सुंदरकांड की कथा हम काफी आगे निकल चुके हैं, 36 वेदों तक पहुंचे हैं, मगर आज भी मुझे कुछ नए श्रोता दिखाई दे रहे, तो रिकैप करने में 2 दिन लगेगा। नौ रिकैप तो ही शुरू लगेगा, हमका मूड, हमारा मूड नहीं आ रहा। हमने मंगलाचरण किया, शांतम शाश्वतम अप्रमेय बने, तो हनुमान जी महाराज को जगाया गया और हनुमान जी महाराज निकले। बंदर को कहा कि आप मेरी प्रतीक्षा करें, मैं शीघ्र ही आता हूँ, और छलांग लगाई, झिमिया मऊ रघुपति कर माना, यही बातें चले हनुमाना। गए मैना पर्वत, वंदन करके आगे सुरसा इनके माता, लंकिनी को मुथिका एक महाकपि हनी, रुद्र बमंत्र निधन मनी। अद्भुत लंका का दर्शन, विचित्र मणिकुट कोट राजी, मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा देखे जहां सोदा, कोई भी जगह भगवती दिखाई नहीं दी, कच्चा घर दिखाई दिया, तुलसी का छोड़ता रामायुध था, रामायुध अंकित गृह शोभा पर मिल जाई, नव तुलसी का वृंदा देखी हर्ष का विराव, सोचा कि ये कुछ माया भी है। थोड़ा नीचे आए और नीचे आकर सोचने लगे कि लंका में वाली लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करे, ये दुष्टों के बीच में सज्जन कहाँ से आएगा, मन बहुत तर्क करे कभी लागा, तेई समय विभीषण जागा, राम राम तेई सुमिरन किन्हा, राम का सुमिरन हनुमान जी ब्राह्मण रूप लिया विभीषण ने सामने। विभीषण अद्भुत बोलता है, ए ब्राह्मण देवता, आपके प्रति मुझे प्रेम हो रहा है, कि तुम हरि दास नमः कोई, क्या आप हरि के कोई भक्त है, मोरे कदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आये हो मोहि करण बटभागी, अब मोहि बाप रोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। विभीषण से वार्तालाप, जुगत विभीषण सकल सुनाई, सीता का रास्ता बताया, अंदर गए
अशोक वाटिका में अशोक नामक वृक्ष के ऊपर हनुमान जी पत्तों के बीच में चुपके से भगवती का दर्शन किया। ते समय रावण कहा आवा संग नारी की बहु बना मंदोदरी आदि रानी के साथ आया। नोकझोंक हुई, सीता जी रावण की और भी नहीं देखती। उन्होंने कहा मेरी और न देखे तो मेरी औरा की ओर मेरी परछाई देख ले। तृणधर कहत वैले ही सुमिर राम। फिर बहुत बोला तो सीता जी ने धमकी दी, सब सुने हरि आनी हुई अधम मिलच लाज नहीं थे। तुझे शर्म नहीं आती महिला के साथ ऐसा दुष्प्रवार करते हुए। धमकाया तो रावण को भी गुस्सा आया, अपनी कृपाण काट ली। चंद्रहास खड़क तलवार निकाली, मारने के लिए तैयार हुआ। हनुमान जी सोचे क्या करूं क्या करूं, मगर जे पोष तू ते मार तू, जे मार तू ते पोष। जो दुख देता है साथ दवा भी वही देता है। यहां रावण के साथ भगवान प्रभु ने अद्भुत लीला की, साथ में मंदोदरी को भेजा। मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया, सीता जी को बचा लिया। रावण ने धमकी दी, मास दिवस मोह कहा न माना तो मैं मारी भी काढ़ी कृपा ना। तलवार से दिखाते हुए धमकी दी, यदि तुम मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तुझे एक महीने में स्वीकार करवाना मार दूंगा। रावण गया, हनुमान जी महाराज ने सोचा क्या करूं, मुद्रिका डाली। भगवती सचेत खड़ी हो गई कि आकाश से कोई अंगार गिरा, देखा तो मुद्रिका मनोहर। सोचा माया से अच्छी असी रची नहीं जाएगी। हनुमान जी राम नाम गुण भरने लागे, राम जी का गुण गाया, सीता जी को सुख मिला। श्रवणा बुद्ध यही कथा सुनाई, तो की न प्रकट होत की न भाई। ए भाई आपने मुझे विरह अग्नि में श्रवण अमृत रूपी जल छिड़क के जिंदा रखा है, आप प्रकट हुई हनुमान जी प्रकट। लघु रूप में हनुमान जी आए, फिर बैठी मन विस्मय भय। सुंदरकांड ऐसे भी हो सकता है, पूरा सुंदरकांड। भगवती घूम गई, ये लीला भी है कोई माया भी है। माँ को शंका हुई, माँ को प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा कि माँ आप चिंता मत करो, भगवान राम ने बहुत बड़ी सेना बनाई है बंदरों की, उस बंदरों की सेना को लेकर आएंगे और निशिचर मारे तो ही नहीं करेंगे और आपको छुड़ा के ले जाएंगे। तब सीता ने कहा बेटा यदि राम ने तेरे जैसे ही बंदर एकत्रित किए हैं तो आप लोग मत आना, रा यहाँ बहुत बड़े बड़े भयंकर जात भाव धान अति फटबलवान। हे सुत कभी समय तुम्हें ही समाना, आपके जैसे बंदर यदि एकत्रित हुए तो कृपा करके आप लोग मत आना, ये आपको सीधे ही खा जाएंगे। माँ को संदेह, माँ के संदेह का निवारण। कनक भोजरा कार शरीरा समर भयंकर अति बल दिया, शत्रु को सम्रांगण में भय दिखाने वाला स्वरूप प्रकट किया। माता को संतोष आशीर्वाद, बहुत सी बात बताई, राम का विरह बताया। माँ ने आशीर्वाद दिया तो माँ को देखकर बच्चे को भूख लगती है कि माँ मुझे खिलाएगी, माँ मुझे भूख लगी है, फल कितने सुंदर है। तो रघुपति हृदय चरण धरी तात मधुर फल खाओ। ए बेटा भगवान का स्मरण करते करते मधुर फल खाओ। हनुमान जी को खाना नहीं था मगर कुछ कमाल करना था, कमाल किया। सब रखवारे आए उसको मार दिए, कोई भागे रावण के दरबार में आए, कोई अधमुए हो गए, किसी को फ्रैक्चर हो गया, कोई लंगड़े कोई लूले। नाथ एक आवा कपि भारी, तीन अशोक वाटिका उजाड़ी। रावण ने अपने पुत्र अक्ष कुमार को भेजा, हनुमान जी महाराज ने अक्ष के साथ पूरी सेना को समाप्त कर दिया क्षण मात्र में। इंद्रजीत को भेजा गया, इंद्रजीत को चक्कर लगा के हनुमान जी ने बंदर की स्टाइल से एक मुद्रिका मारी, दो शुद्ध होने लगा।
तो सोचा इंद्रजीत ने ये माया के सिवाय काम नहीं आएगा। उन्होंने ब्रह्मास्त्र साधा और हनुमान जी ने सोचा कि मुझे ब्रह्मास्त्र से क्या लेना, मगर ये ब्रह्मा जी का मान बढ़ाना है तो ब्रह्मवान देहि साधा कपि मन किन्न विचार, जो न ब्रह्मसर मानहु महिमा मिटे अपार। ब्राह्मण के शब्द का, ब्राह्मण के शास्त्र का, ब्राह्मण के सूत्र का यदि सम्मान बढ़ाना है तो मुझे बंधना होगा। हनुमान जी बंध गए, मूर्छित हो गए, मेघनाथ ने हिलाया 10 बार 15 बार, कन्फर्म हुआ कि देवान थे गए मुझे। नाथ पास से बात कर उसको दसमुख की सभा में, रावण की सभा में लाया गया और ऐसे बैठा है जिमी आई गन महुद गरुड़ असंका, सर्पों के बीच में जैसे असंख्य गरुड़ बैठता है ऐसे बैठा। कर जोड़े सुरुदीता देवता लोग नवग्रह आदि रावण की दृष्टि में दृष्टि लगाकर बैठे हैं। क्या आदेश रावण को हनुमान जी महाराज ने